आप एक है पोको X2 यूजर तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं MIUI 13 के अपडेट के बारे में आपके इसी पोको X2 स्मार्टफोन में। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए कमाल धमाल मिसाल वीडियो में। मेरा नाम मतलब आप देख रहे हैं डी जेन्युइन टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ। सब्सक्राइब कीजिए इंडी जेन्युइन टेक यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए हमारी फ्री यूजफुल वीडियोस मिस ना करने के लिए। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें आपको चेंजेस क्या क्या देखने को मिलेंगे इन कंपैरिजन टू आपके MIUI 10, यानी आपका क्या क्या अपडेटेड है, क्या क्या अपग्रेडेड है, क्या इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाती है आपके MIUI 13 में। तो सबसे पहले हम लोग बात आते हैं दोस्तों यूजर इंटरफेस से। तो यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी, आपको एक अलग यूजर इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा, उससे ज्यादा बेटर आपको करने की कोशिश की गई है। इसी के साथ आपको नए एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे, नई थीम्स आपको देखने को मिल जाएगी, तो ऐसे सारे भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ अगर मैं इंटरनली बात करूं तो यहाँ पे टच सेंसिटिविटी भी बढ़ाया गया है और बैटरी परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करने की कोशिश की गई है, जहां पे आपका पावर सेविंग मोड को भी इनहेंस किया गया है जिससे आपकी ड्रेन जो है बैटरी वो जल्दी ना हो। और इसी के साथ बैटरी ड्रेनेज की आप लोगों को जो प्रॉब्लम आती थी उसको भी काफी हद तक रिड्यूस करने की कोशिश की गई है और फास्ट चार्जिंग को भी अच्छा बनाया गया है, यानी इसमें आपको थोड़ा बेटर फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों अब जो है ये आपका जो सॉफ्टवेयर आने वाला है MIUI 13, इसमें आपको कुछ फीचर्स और मिल जाते हैं, जैसा कि हो गया कि आप शेड्यूल कर पाएंगे अपने एयरप्लेन मोड को कि आपको कितने टाइम से कितने टाइम के बीच रखना है। अब अगर आप एक नोटिफिकेशन के शौकीन है, आपको नोटिफिकेशन पे रिप्लाई करना रहता है खासकर सोशल मीडिया की, तो वो भी आप इस पे इंस्टेंटली कर पाएंगे। यहाँ पे और इम्प्रूव कर दिया गया है कि जिससे आप अपने सोशल मीडिया किसी भी जगह पे रिप्लाई बड़े आराम से कर पाएंगे। इसी के साथ स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट फीचर आपको देखने को मिलता है जिसमें और इम्प्रूवमेंट आपको की गई है, यानी इनहांस आपको ये देखने को मिलेगा और नेटिव स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम और कुछ इसके चेंजेस की बात करते हैं तो यहाँ आपको जो आपके पुराने नोटिफिकेशन आते थे और जो नया नोटिफिकेशन आते थे उसमें डिफरेंशिएट करने में आपको अब ज्यादा समस्या नहीं होने वाली है, वहां भी आपको एक इन्हांसमेंट देखने को मिलती है। अब इसी के साथ आपको एक और फीचर देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे जो है आपके टच सेंसिटिविटी को बढ़ाया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसी के साथ आपको एक लैग फ्री और स्मूथ एक्सपीरियंस देने की कोशिश की गई है, यानी जो सारे आपको बग फिक्सेस वगैरह थे ये सारा उसमें आपको करके दिया गया है, जो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम MIUI 12 में होती थी उसको भी ज्यादा बेटर करने की कोशिश की गई है, और ऐसे एनिमेशन वगैरह का इस्तेमाल किया गया है जो कि आपको थोड़ा और ज्यादा बेटर लगने वाले हैं। और इसी के साथ यूजर इंटरफेस में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, यानी आपके जो आइकॉन्स वगैरह रहेंगे या फिर उनकी पोजीशनिंग वगैरह रहेगी और फिर कुछ और फीचर्स उसमें मिलेंगे जिससे आपको थोड़ा और ज्यादा इजी लगने वाला है इसको इस्तेमाल करना। अब बात आती है दोस्तों इसके लॉन्च डेट की कि कब तक ये लॉन्च होगा और कब तक आपके पोको X2 में देखने को मिलेगा। दोस्तों सबसे पहली बात आती है कि MIUI 13 कब लॉन्च होता है अपने इंडिया में। देखिए अगर आप देखेंगे MIUI 12 को और MIUI 11 को तो पिछले साल ये मई के आसपास अप्रैल मई में लॉन्च हो गया था, और इसी के साथ अब अगर इस साल की हम बात करते हैं यानी नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं तो यहाँ भी आप लोगों ने देखा होगा कि अप्रैल के आसपास लॉन्च हुआ था जब मैंने वीडियो बनाई थी। तो अब इस साल भी यही है कि फर्स्ट क्वार्टर के जाते जाते आपका MIUI 13 इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, और इसके लॉन्च होते ही एक Xiaomi रिलीज करता है अपनी वेबसाइट पे बैचेस में कि किन किन बैचेस के स्मार्टफोन्स में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे चार बैचेस में डिवाइड कर देता है स्मार्टफोन को, तो फर्स्ट कैटेगरी में उसके टॉप ऑफ द लाइन स्मार्टफोन आ जाते हैं, सेकेंड कैटेगरी में आपके उससे बॉटम वाले स्मार्टफोन आते हैं, फिर उससे थोड़ा पुराने वाले, तो जिस हिसाब से जिन स्मार्टफोन में उसको देना पड़ता है और देना रहता है तो उसी हिसाब से वो जो है लिस्ट अपने साइट पे अपडेट कर देता है। तो वो देख के हम लोग आपको बता सकते हैं कि कितने दिन बाद ये आपका आने वाला है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि 3 महीने के बाद जैसा ही आपका लॉन्च होता है वैसे 3 महीने के अंदर आपके डिवाइसेस में आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी अगर मान लीजिए अप्रैल में होता है तो मई जून जुलाई अगस्त के आसपास आपके स्मार्टफोन में आना शुरू हो जाएगा। और उसके साथ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे जिसमें सब कुछ समअप कर देंगे कि इन स्मार्टफोन में आपको इस बैच में मिलने वाला है, इतनी डेट तक आपको ये देखने को मिलेगा। और वैसे भी दोस्तों आप मान लीजिए कि मिलियन ऑफ स्मार्टफोन सेल होते हैं तो ओटीए के थ्रू उनको सेंड करना रहता है ओवर द एयर, तो वहां से जो है कई डिवाइसेस में सेंड करने में थोड़ा बहुत टाइम चला जाता है। तो देखिए आपका डेफिनेटली ये अगस्त सितंबर तक आ जाएगा आपके स्मार्टफोन में, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ हमने और सारे स्मार्टफोन्स पे भी वीडियो बनाई है Xiaomi की किस चीज में आपको देखने को मिलेगा, तो उसको भी आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं अगर आप में कोई स्मार्टफोन ऐसा यूज करता हो। तो चलिए अब अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।